आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, यानी मौका कभी दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाता। उसे पहचानने के लिए अपनी आंख, कान और दिमाग हमेशा चौकन्ना रखना पड़ता है। शायद ये कहावत पाकिस्तान के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर जफर गौहर ने नहीं सुनी है, या फिर इस कहावत पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर जफर गौहर को इंग्लैंड के खिलाफ अबू धाबी में पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन अपने आलसी रवैये के चलते गौहर ने ये शानदार मौका गवा दिया। जफर गौहर सोते ही रह गए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें कई बार फोन करके जगाने की कोशिश की, लेकिन गौहर नहीं जागे। मानो ऐसा लग रहा था कि जफर घोड़े बेचकर सो रहे हों, उन्हें दुनियादारी या किसी चीज की कोई परवाह ही ना हो। गौहर को अबू धाबी के लिए रवाना होना था। उन्हें वहां भेजने के लिए वीजा और दूसरी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई। इसके बाद उन्हें लगातार फोन किया जाता रहा कि वे एयरपोर्ट पहुंचकर जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ें। वहां बोर्ड अधिकारी उन्हें यात्रा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी सौंपने वाले थे। गौहर को लेग स्पिनर यासिर शाह के बैकअप के तौर पर टीम से जोड़ा गया था। यासिर पीठ दर्द के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। फिलहाल पाकिस्तानी टीम में जुल्फिकार बाबर के तौर पर केवल एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। ऐसे में गौहर के पास धीमी और टर्निंग पिच पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का सुनहरा मौका था। गौहर ने ये शानदार मौका गवा दिया।